भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री वरिष्ठ नेता माननीय राम माधव जी उपस्थित हैं। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय वैजयंत पांडा जी हैं। हमारे मणिपुर के माननीय मुख्यमंत्री श्री वीरेंद्र सिंह साहब हैं। मेरा आज इस मौके पर सादर अनुरोध है माननीय राम माधव जी से कि आप आज इस लोकप्रिय सरकार के प्रति पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले श्री ओयनम लुखोई सिंह जी को सदस्यता पत्र देकर मेरा सादर अनुरोध है माननीय राम माधव जी से कि आपको संबोधित करें। फ्रेंड्स, आज कुछ प्रमुख नेता मणिपुर के भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन होने वाले हैं, उनका परिचय करने के लिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है। मैं थोड़ा पूर्व पक्ष रखना चाहूँगा। बीजेपी गवर्नमेंट इन मणिपुर एक एनडीए गवर्नमेंट है, मित्र दलों के साथ मिलकर हमारी सरकार चल रही है फॉर द लास्ट 3.5 ईयर्स। बहुत लोकप्रिय सरकार है। पिछले 3.5 वर्षों में उस राज्य को विकास के रास्ते पर अच्छी तरह आगे ले जाने वाला राज्य सरकार रही है। उसके मुख्यमंत्री आपके सामने है श्री वीरेंद्र सिंह जी। मणिपुर दशकों तक, करीब 15 साल तक कांग्रेस का कुशासन में रहा और 2017 में भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार वहां बनी। पिछले 3.5 ईयर्स में नॉर्थ ईस्ट में फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट्स में एक स्टेट बनी है। 16% जीडीपी ग्रोथ के साथ वो स्टेट आगे बढ़ रहा है। और हाल ही में आपने देखा, प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ा 3000 करोड़ का घर घर जल पहुंचाने का जो की योजना है, उसके लिए मणिपुर को चुना है। वहां अब घर घर पानी पहुंचाने का बड़ा एक प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। और रोड्स के विषय में भी 3000 करोड़ का और निवेश हमारे मंत्री जी ने अभी कल ही उसका उद्घाटन किया है। मणिपुर आफ्टर ऑलमोस्ट 15 ईयर्स बीरेन सिंह जी के लीडरशिप में ओवरड्राफ्ट से बाहर आया है। नॉर्मली नॉर्थ ईस्ट के कई राज्य ओवरड्राफ्ट में फंसे रहते हैं, पर बीरेन सिंह जी ने इकॉनमी को इतनी अच्छी तरह संभाला कि मणिपुर टुडे हैज कम आउट ऑफ द ओवरड्राफ्ट प्रॉब्लम आल्सो। तो सब क्षेत्रों में मणिपुर अच्छी तरह आगे बढ़ रहा है। ऐसे में वहां के कांग्रेस वाले पिछले 1-1.5 वर्ष से लगातार इस सरकार और लोकप्रिय मुख्यमंत्री के खिलाफ षड्यंत्र करते रहे, इस सरकार को गिराने के तमाम प्रयास किए, कई प्रकार के प्रलोभन, कई प्रकार के अन्य प्रकार के काफी षड्यंत्र किए। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, कभी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में कुछ हुआ तो आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान में आता है, पर जिन चीजों को लेकर हमारे ऊपर फालतू तो आरोप कांग्रेस लगाता रहा है, राजस्थान वगैरह को लेकर, वो सारे गलत चीज वास्तव में कांग्रेस मणिपुर में कर रही थी। लोकप्रिय लोकतांत्रिक ढंग से जो सरकार बीरेन्द्र सिंह जी का रहा है उसको गिराने के षड्यंत्र कर रहे थे। कैंप्स लगा के एमएलए को कैंप्स में कैद रख के हमारे 3-3 एमएलए को ले जाके हमारे सरकार को गिराने का भी कोशिश करते रहे। पर मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति और केंद्र सरकार के प्रति और राज्य में बीरेन्द्र सिंह जी की सरकार के प्रति मणिपुर की जनता में और मणिपुर के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स में भी जो एकदम सकारात्मक या पॉजिटिव दृष्टिकोण है, इसके चलते कांग्रेस के तमाम प्रयास विफल रहे हैं।
हाल ही में राज्यसभा चुनाव में हमारे ऑफिशियल कैंडिडेट को, जहां हमारे पास मेजॉरिटी होने के बावजूद भी कुछ हमारे एमएलए को लगभग अपने कब्जे में लेकर एक जगह कैंप में बिठा के उसको हराने का भी प्रयास कांग्रेस ने किया था, वो भी असफल रहा। परसों 10 तारीख को असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव लाकर फिर से हमारे एमएलए को अपनी तरफ करके या हमारे साथी मित्र दलों के एमएलए को अपने साथ करके सरकार को गिराने का एक षड्यंत्र फिर से रचाया गया। कोई कारण नहीं था, मैंने कहा सभी दृष्टि से अच्छी सरकार चल रही थी। तो 10 तारीख को वो प्रयास किया तो हमारे वीरेन्द्र सिंह जी ने कहा कि आप अविश्वास क्यों लाओगे, मैं खुद विश्वास प्रस्ताव लाऊंगा। खुद हमने विश्वास प्रस्ताव लाया वॉइस वोट से, उस विश्वास प्रस्ताव में अच्छी जीत वीरेन्द्र सिंह जी की, हमारी बीजेपी सरकार की हुई है। आज वहां स्थायी रूप से वहां हमारी सरकार चलेगी। आगे 1.5 साल का कार्यकाल इस समय है, वो 1.5 साल भी हमारी सरकार चलेगी अच्छी तरह। और मैं आपको ये कहना चाहूंगा, आज इन सारे षड्यंत्रों के बाद अभी जो परिस्थिति राज्य में बनी है, जिसका मैं थोड़े एक मिनट में बता भी दूंगा, पर उस परिस्थिति के बाद मैं आपको कह दूं, हम 1.5 साल नहीं 6.5 साल कम से कम मणिपुर में शासन में रहेंगे। अगले चुनाव में भी भारी बहुमत से बीजेपी एनडीए की सरकार उस राज्य में आएगी। कांग्रेस के जो षड्यंत्रकारी राजनीति है, बार बार जनुइन बीजेपी सरकार को, एनडीए सरकार को गिराने का षड्यंत्र जो है, उससे स्वयं कांग्रेस में ही बहुत बड़ा असंतोष है। उसी का परिणाम है अभी फ्लोर टेस्ट में असेंबली में जो विश्वास प्रस्ताव वीरेन्द्र सिंह जी ने रखा, उस विश्वास प्रस्ताव के समर्थन में अच्छी संख्या में कांग्रेस के विधायक हमारे सरकार को समर्थन दिया है। वो जो विधायक समर्थन दिए हैं, आप जानते हैं लोकतंत्र में इस प्रकार हाउस में कॉन्फिडेंस वोट में क्रॉस वोटिंग करना, वो उसका कुछ कानूनी परिणाम होते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए, हमारे रिक्वेस्ट का आदर करते हुए, वो 5 विधायक अपने विधायक पद को इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव में जाने के लिए भी तैयार हुए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये मणिपुर में एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी का दिल्ली के केंद्र सरकार के प्रति और राज्य में वीरेन्द्र सिंह जी के सरकार के प्रति वहां के जनप्रतिनिधियों में जो सम्मान की भावना है, ये दर्शाता है। मित्रों, राजस्थान में कोई कांग्रेसी रिजाइन करके जाने को तैयार नहीं है, दोबारा चुनकर आएगा ही नहीं, उनको पता है वो बात। बट यहां हमारे कांग्रेस में से हमारे पार्टी में आने वाले नेता एमएलए अपने पद को इस्तीफा दे दिए हैं। ऐसे जो 5 विधायक जो इस्तीफा देकर आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, उन सभी को आज आपके सामने परिचय करने का था। मैं एक बार परिचय कर देता हूं, बाद में जो प्रक्रिया पूरा होगी और हमारे वाइस प्रेसिडेंट सीनियर लीडर हमारे जय पांडा जी उन सबको पार्टी में फॉर्मली शामिल करेंगे। साथ में है मिस्टर ओक्रम हेनरी। ओक्रम हेनरी एक बहुत ही डायनेमिक एंड यंग एमएलए है, कांग्रेस पार्टी का रहे हैं, अभी इस्तीफा देके आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं वैसे उनका व्यक्तिगत है, फिर भी मैं कह रहा हूं आपकी जानकारी के लिए, ओक्रम हेनरी वहां के जो कांग्रेस का वरिष्ठ नेता, विपक्षी नेता, पूर्व मुख्यमंत्री इबोबी सिंह जी के भतीजे है, इज द नेफ्यू ऑफ मिस्टर इबोबी सिंह। तो अब इससे ज्यादा मुझे कमेंट करने की जरूरत नहीं है वहां के कांग्रेस लीडरशिप के बारे में। तो मैं मिस्टर हेनरी को हमारे पार्टी में स्वागत करता हूं। उनके साथ जो और 4 एमएलए से आज बीजेपी में ज्वाइन हो रहे हैं, रादर एक्स एमएलए नाउ, मिस्टर लुखोई सिंह वांगोई से, लुखोई सिंह, नामतांग होकिप, ब्रजेन मिस्टर ब्रजेन सिंह और मिस्टर हापू, चारों बहुत, पांचों बहुत ही अच्छे जनता में अच्छे सम्मान ग्रस्त अच्छे नेता है। हम उन सबको हमारे पार्टी में स्वागत करते हैं और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी उनको पार्टी में शामिल कराएंगे।
ओनाम लखोई सिंह लापतंग हाकिब जियाना हो जाओ मित्रों, ये 5 MLA हमारे पार्टी में ज्वाइन किए और 1 MLA भी कांग्रेस को रिजाइन किया। इसके बाद मणिपुर में अभी 47 MLA का हाउस का स्ट्रेंथ है, उसमें कांग्रेस के पास केवल 15 लोग बचे हैं, बाकी सब हमारे सरकार के सपोर्ट में है। जब भी बाय इलेक्शन होगा उसमें हमारे पार्टी के कैंडिडेट्स ये सभी 13 सीट्स में लड़ेंगे और अच्छी तरह जीतेंगे। नहीं, 47 एग्जिस्टिंग है बिकॉज ऑफ द रिजिग्नेशन एंड कुछ लोग पहले ही रिजाइन कर चुके हैं। 13 प्लेसेस आर वेकेंट नाउ, सो आउट ऑफ द 60 13 आर वेकेंट, 47 इज द करंट स्ट्रेंथ। उसमें यानी मैं ज्यादा से ज्यादा कह रहा हूं 15 लोग होंगे, बाकी सब हमारे सरकार के सपोर्ट में होंगे। ठीक, एनपीपी 4 है, एनपीएफ 4 है, एलजेपी का एक है, इंडिपेंडेंट है और भी लोग है। मैं हेनरी को कहता हूं कि मिस्टर हेनरी यू कैन जस्ट शेयर इन ए फ्यू मिनट्स व्हाट यू नो एनकरेज यू टू ज्वाइन इन बीजेपी। हेलो एवरीवन, वी हैव ज्वाइन बीजेपी because as you all know, like there was a government for the people. You must have seen in the past years, Congress been ruling there for at least 15 years. There were developments, we see developments. I myself was involved in the government, not as an MLA, as a part of the government. We couldn't see much change. As you know, we all need development plus peace, plus the bonds which we have in our place, like we have hills plus valleys. There were, like no trust where we could see from the past government. We could see some changes in the new government, like see new policies like go to hills, go to villages, Miyamgi Numit, which we call People's Day. And then we see Hills Day, then again Hills Leaders Day. New policies were being introduced with the new government. Even though we were in the opposition, party, we feel like supporting them unofficially. We feel like being, we encourage them. After some few months, few years, I don't know how do I say, the government has won our heart. They have touched our heart. Unofficially, we started supporting them. Then, I don't know how it comes. Suddenly, after a few months again, there was a tussle between the government again to bring down the government, break down the people's government. You know the meaning of people's government. I mean, a government who goes with the people, people's wish. Whenever people need, they come. It was quite different compared to the past government, So that is why we feel we should resign in order to save the government. As the Ramadhavji has already briefed you about the numbers, it was almost about neck to neck situation. That is why we have resigned, thinking that we should save this particular government, so that we work with the government, go with the government for the people, thinking for the future. So, there was a saying, Congress all the way,
I have never voted in BJP in my entire life. I have never seen BJP symbol properly in my eyes, man. Even though for the people, for the sake of, you know what, my society, in order to grow, in order to bring secureness into their heart, into their mind, we have decided to support BJP there in our state to support our, I call him uncle, our Honorable Chief Minister, his vision, our Prime Minister Narendra Modi's model to go down toward the people, like to the grassroots level, I mean. I, you know what, admire the way they walk through the, what do you call it, grassroots level, where I mean they go in touch with the people, even to the needy places. We feel like, you know what, there's a change when we see it. When we hear it, we feel it. It doesn't mean that, I mean, there was a saying like, say, like every politician speaks in a different way. I am a man who trusts in my, you know what, in the, not in the words, in the action. I love how they work. That is why I have joined BJP. And I want to grow them. I want them to grow more and more. I want to work with them. That is why I have decided to join with the system, with the heart which they have given to us. That is why I especially want to thank Modi ji and the BJP party, all the, I don't know how to call it, all the members, all the system, plus our Honorable Chief Minister for giving us the opportunity. Thank you so much. Thank you, Henry. Kuch hai? मैं बताऊंगा हमारे पत्रकारों की इच्छा है करके बताऊंगा. Hardly Congress might remain to know what, hardly 6 to 7, I think. Rest they are waiting for a, you know what, for a turn, for their turn. We never expect like the way we've been doing here today. So it is like they are waiting for their moment. I mean, so they want us to perform something in front of the people. When we perform it, they will come. It's not about BJP or Congress. It's like the man who is leading the state. That's all. Thank you so much. Thank you. Now look, there was a particular situation in Manipur. Now we have been able to overcome that situation. There were efforts to destabilize Mr. Biren Singh's government. These efforts are going on for almost 1 year now. Now with the present development of a good number of Congress MLAs supporting our government on the floor of the House, and subsequently several of them joining the BJP today, I think that instability part in Manipur will be over for now. So this 1.5 years remaining period, we will run a stable government in Manipur. I can just tell you, out of the 5, 3 are from the Manipur Valley and 2 of them are from the hills. That means both hills and valley, both the areas today are solidly behind our government, led by Mr. Biren Singh. We will have full stability, we will run the government and complete the remaining good work. And as I said, we will come back for 5 more years. Everyone, the alliance, NPP, NFIF, LGP, and independents are going together very smoothly, and we will strengthen more. What was the question? Yeah, there were problems with the top leaders, plus, you know what, I don't know how to say, it's due to the old ages, or how do I say, it's due to the, you know what, they've been holding for last 20 years, almost 15 to 20 years, so people fed up with the government have
lost trust with the government, the past government. That is why the new government has been formed. So it's like we support the government so that we bring something new to the government, new to the people. That is the main reason. Thank you. Okay. इसके बाद माननीय अध्यक्ष जी के पास सब लोग जाएंगे. Now Taste TV, Nizam Nirbhayanga.